इतनी प्यार मोहब्बत है, शादी क्यों नहीं की अभी तक? कौन? राहुल गांधी जी अपने? ये तो छोटा है, करेगा ना? अबे छोटा, जैसे राम बोलने में वैसे प्रॉब्लम क्या मतलब? नहीं, कहाँ चल रहा है आज, देखो आज कितना ज्यादा चल रहा है। जब भाजपा सरकार आई, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी ने पकड़ पड़ गई सबको, ड्रग्स छोड़ दिए। ये नहीं बताना, ऐसे झूठ नहीं बताना। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है तभी मैं चला रहा हूं। कौन सा जुल्म हो गया? ये तो जुल्म है ना, फिर क्या है? कौन सा वाला? यही कौन सा? मैं कुर्सी के लिए नहीं भूखा हूं, उन नेताओं की तरह। इलेक्शन तो आपने भी लड़े ना, लेकिन वो लोगों ने मुझे मजबूर किया। आप आए लड़ो। अब तुम मैंने क्या बोला कि राणा साहब से डरते हो आप? आपको लगा मैंने नाम लिया, मैंने राणा साहब का नाम लिया सिर्फ। मैं किसी को डरता नहीं हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी ने, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तो क्या करेंगे हर हर मोदी घर घर? इंशाल्लाह उसको आने दो। आप कहाँ आने दो? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनने राहुल गांधी जी ने? एक शख्स है जो सिर्फ अपनी बातों से सबको ढेर कर देते हैं और जम्मू कश्मीर में सब उनको प्यार से बब्बर शेर कहते हैं। पीर आजादा मोहम्मद शफी शाह उर्फ बब्बर शेर आज हमारे साथ हैं। शफी साहब, बब्बर शेर तो कभी किसी से हारता नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर इतना प्यार मिला, तब भी डीडीसी इलेक्शन हार गए, क्या हो गया? कमजोरी मेरी थी, मैं तो 6-7 घंटे 10 दिन में 7 घंटे मिल गया था कंपनी के लिए। अच्छा, तो 7-8-10 दिनों में 7-8 घंटे में क्या करूंगा? अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए रहते हो, आपने एक बार बोला था कि राणा साहब को मैं कलमा पढ़वाऊंगा, तो कब का वक्त मुकर्रर किया फिर? मैंने बताया जब जम्मू कश्मीर को उन्होंने बताया कि मैं जय श्री राम पढ़ाऊंगा, तभी ईंट का जवाब कैसे पत्थर से होता है, तो जय श्री राम का आप कलमा पढ़ा के देंगे जवाब? तो मैंने उनको यही बताया कि अगर उसने ये बताया, अगर यही स्टैंड रहेगा मैं उनको कलमा पढ़ाऊंगा, मैंने बताया उस टाइम। तो कब पढ़ाएंगे फिर? तो वो तो बात है, जब उन्होंने कहा कि उस टाइम कि मैं जय श्री राम जम्मू कश्मीर के लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जय श्री राम बोलने में वैसे प्रॉब्लम क्या मतलब? कलमा पढ़ाने में से कौन सा कोई प्रॉब्लम? जैसे देखिए ना, कल फारूक साहब पार्लियामेंट में थे लोकसभा में, वहां पर उन्होंने बोला कि राम सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा, उन्होंने भी जय श्री राम बोला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सारे सेकुलर यहाँ पे जम्मू में? नहीं, हमारा देश सेकुलरिज्म देश था, है अभी भी तो है ना सेकुलर। तो मेरे ख्याल से आज नहीं लग रहा है मुझे। क्यों नहीं लग रहा? तो जब भाजपा सरकार आई उन्होंने सब कुछ लूट लिया। क्या लूटा? सब कुछ, सब हमारे सुकून, सब कुछ लूट लिया। आपका सुकून कैसे लूटा? किसने आपका सुकून भाजपा ने कैसे लूटा? आपको नहीं लग रहा है? मुझे कैसे लगे, आप बताओ ना क्या लूटा उन्होंने, फिर मतलब थोड़ा पता चले। 35A 370 जब हमारे से हुकूक छीन, जबरदस्ती उन लोगों ने छीन लिया। हाँ। जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख, तब से आज तक दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अच्छा, हमारे बच्चे देखो, हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कितना कर रहे हैं आज। चलो वो तो पहले भी चल रहा था ना। नहीं, कहाँ चल रहा है आज, देखो आज कितना ज्यादा चल रहा है। जब भाजपा सरकार आई, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी ने पकड़ पड़ गई सबको, ड्रग्स छोड़ दिए। ये नहीं बताना, ऐसे झूठ नहीं बताना, मैं झूठ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ हूँ। सच्चाई के साथ हमारे साथ जुल्म, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है तभी मैं चला रहा हूं। कौन सा जुल्म हो गया? ये तो जुल्म है ना, फिर क्या है? कौन सा वाला? यही कौन सा? जो हमारे पास बच्चों, आज हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्या मैं चलाऊंगा? नहीं, वो ड्रग्स कर रहे हैं तो उसकी बीजेपी की गलती है। फिर किन क्या बस क्यों कर रहे हैं, पहले वो बताओ ना क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास रोजगार मिलेगा। हाँ। उनके पास रोजगार नहीं है। हाँ। पढ़े लिखे हमारे नौ बच्चे। हाँ। वो घर में बैठे हैं। हाँ। तो वो ड्रग्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो घर में, अगर जो घर में बैठेगा तो वो ड्रग, मतलब हम लॉकडाउन में रहे एक साल, तो मतलब जो सारा परिवार घर में रहा तो वो ड्रग्स थोड़ी करेगा? वो तो बच्चों की गलती, उनकी परवरिश की गलती है ना, बीजेपी की गलती थोड़ी है। उन्होंने सब कुछ, हमारे हुकूक सब कुछ छीन लिया, हमारे जो हमारे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सुकून है। हाँ। सब कुछ। अच्छा, आपने कहा 35A और 370 लिया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद सुकून छीन गया, उससे पहले क्या था? उसके पहले सब प्यार मोहब्बत था। उससे पहले प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत था सब, कोई चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। हाँ। सब्जी रोटी सब खाती है। अच्छा। आज देखो हमारे कश्मीर में वो हालात, अभी क्या सब्जी रोटी नहीं मिल रहा कश्मीर में? वो हालात भी है, आधा लोगों के पास खाना नहीं मिल रहा है, शाम को मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो वो बीजेपी रोक के रख रही मजदूरी, फिर किसने रखी है? अच्छा चलो ठीक है, ये तो बीजेपी की बात होगी ये साइड, अब आपकी बात करते ना, आप ऑल इंडिया ये राहुल गांधी फैन एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए कुछ? मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट है तो राहुल गांधी आप फैन हो उनके? मैं उनके फैन हूँ। क्या बात अच्छी लगती है उनकी आपको, राहुल गांधी की? राहुल जी बहुत, इंशाल्लाह उसको आने दो। आप कहाँ आने दो? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनने राहुल गांधी जी ने? क्या आपको नहीं लग रहा है बनने का? मुझे कैसे लगेगा, जब एक चाय वाला बन गया था वो क्यों नहीं बनेगा? मतलब आप मानते हैं कि चाय वाला जो है
वो प्रधानमंत्री बना है, बना है हाँ। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बनेगा? अब देखो ना, राहुल गांधी जैसे सोशल मीडिया पे चलता रहता है, उनको पूरी दुनिया पप्पू पप्पू बोलती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप देखना आगे आगे होता है क्या, आज पूरे हमारे पूरे मुल्क को पता चल गया हाँ। क्या किया भाजपा सरकार ने, क्या किया हाँ। उन्होंने पूरे मुल्क को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अब मेरे को दुख, पहले दुख नहीं, गिनाओ नहीं, नहीं, हाँ। आप देखो हमारे हाँ। किसान हूँ हाँ। किसान हाँ बिल्कुल, किसान तो बेचारे लगे हुए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितना मर गया वहाँ हाँ। जम्मू कश्मीर की बात करते ना, सेंट्रल लेवल पे नहीं जाते, जम्मू कश्मीर की बताओ। जम्मू कश्मीर में जब 5 अगस्त 2019 से आज तक जितने भी वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जैसे की मुझे बात करने दो हाँ, बिल्कुल या तो मुझे बात करने बराबर कीजिए, नहीं 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 कीजिए, क्या बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितने भी वादे किए आज तक, क्या उन वादों से कोई सच निकला है? आप वादे बताओ ना, जनता को पता लगेगा। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे, कहां गया वो वादे नया कश्मीर? उन्होंने कहा कि 50,000 नौकरियां देंगे, बिल्कुल नहीं मिली। मिले किसी को? मैं भी नहीं मानता, नहीं मिली किसी को, नहीं मिली किसी को, नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कि कहीं लग रहा है स्मार्ट सिटी? नहीं, दो तीन प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, कोई वर्टिकल गार्डन, मेट्रो का भी कुछ पास चल रहा है, तो अभी शायद टाइम लगेगा, शायद हो सकता है वो वाली बात। परसों बजट में उन्होंने ऐलान किया हम गैस लाइनें पाइप बिछाएंगे, क्या पहले तो उनको नेशनल हाईवे ठीक करना कि गैस लाइन बिछाना है? वो भी बात सही है, पहले तो नेशनल हाईवे उनको ठीक करना। चलो ये चलो पॉलिटिक्स की बात होगी, पहले मैं पॉलिटिक्स के नहीं खेलता हूं, मैं कुर्सी के लिए नहीं भूखा हूं, उनके उन नेताओं की तरह। इलेक्शन तो आपने भी लड़े ना, लेकिन वो लोगों ने मुझे मजबूर किया, आप इलेक्शन लड़ो। मैं तो कुर्सी के लिए भूखा नहीं, कुर्सी के लिए वो चोर भूखे हैं जो जिन्होंने आज हमारे जम्मू कश्मीर उन्होंने बर्बाद किया है। अच्छा शफी साहब, ये सब छोड़िए, पहले मेरे को बताइए, आपने आपका हर इंटरव्यू देखा, मैंने आप टोपी पहन के आते हैं, टोपी क्यों नहीं पहनी आपने? आज तो गर्मी है ना। आए हाय, गर्मी कहाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आज तो गर्मी है। नहीं नहीं, गर्मी तो आपको बोल बोल के चढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, आज तो गर्मी है। राणा साहब का नाम ले लेके आपको गर्मी चढ़ रही है? किसका? राणा साहब का। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को। अबे तुम मैंने कहा बोला कि राणा साहब से डरते हो? आपको मैंने नाम लिया, मैंने राणा साहब का नाम लिया सिर्फ। मैं किसी को डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ डरता हूँ अल्लाह ताला को। ऊपर वाले से डरना है, उसी को डरना है। सही बात है। कौन है नेता वाले, उसको डरना नहीं, डरना है सिर्फ अल्लाह ताला को। डरना क्यों नेताओं से, जिसने पैदा किया है? बिल्कुल। मैं सब जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उनसे मैं यही मैसेज देना हूँ, देना चाहता हूँ कि बब्बर शेर की तरफ, बिल्कुल बब्बर शेर की तरफ दहाड़ो सारे के सारे, बब्बर शेर की तरफ, बब्बर शेर की तरफ दहाड़ो। कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ जम्मू कश्मीर में, तब तक जम्मू कश्मीर के मेरे बच्चों को, मेरे यूथ को डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा यार शफी साहब, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया, सबसे पहले क्या करोगे आप? मुझे चीफ मिनिस्टर को क्या करना है? अरे बना, मुझे 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 मोहब्बत चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का। जम्मू कश्मीर को सुधारना नहीं है आपने? आज तो बन गए थे चीफ मिनिस्टर, क्या किया उन्होंने जम्मू कश्मीर? उन्होंने नहीं किया तो आप तो करो। मुझे अब देखो, नहीं नहीं, आपने बोला कि जम्मू कश्मीर की आवाज आप उठा रहे हो, अभी बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हो ना। मैं आवाज उठाते रहूंगा। हाँ उठाओगे इंशाल्लाह, उठाओगे आप, लेकिन एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या क्या करोगे मेरे को बताओ? तो जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो तब मैं आवाज, मेरा आवाज देखो नहीं, ये थोड़ी आप अभी दूसरों पे आवाज उठा रहे हो, बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र राणा पे वो काम नहीं कर रहा, आप बताओ ना आप क्या करोगे? अगर वो उसमें कांग्रेस भी है ना, कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट भी करेगा, उसके खिलाफ मैं वो बोलूंगा? बिल्कुल मैं डरूंगा नहीं, ये कांग्रेस का पार्टी का है, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा। अच्छा मेरे को एक बात सुनाओ, आप, मैंने सुना शेर व शायरी का भी बड़ा शौक रखते हैं आप, रखते हैं ना? मैं तो थक गया। आए, आए, कोई बात नहीं, पानी मंगवाते हैं आपके लिए अभी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा मैं एक ना दो लाइन का शेर पढ़ता हूँ, एक छोटा सा है, बताना कैसे लगता है, बड़ा फेमस है, हर हर मोदी घर घर मोदी, कैसा लगता है? घर घर मोदी शेर है ना, बड़ा सोशल मीडिया पर, हर हर मोदी घर घर मोदी ने, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तो क्या करेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी? शेर अच्छा लगता आपको? ये हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरा स्टैंड यही रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में, मरते दम तक यही स्टैंड रहेगा। कभी बुझ नहीं सकते मेरे जुनून की मशाल, मैंने जुल्म मिटाने की कसम खाई है, जुल्म जितनी भी जुल्म चल रहा है जम्मू कश्मीर में, मैं जुल्म मिटाते रहूंगा अल्लाह ताला के। अरे शफी साहब बैठो ना, दो तीन और बातें करते हैं। कोई बात नहीं, कहाँ कश्मीर के लिए जाना आपने, कहाँ जाना है, बैठो ना, ये इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इनकी तो मतलब रख लो। अच्छा कहाँ जाना, कहाँ अभी आपको लेट कहाँ हो रहा है? हम देखेंगे कहाँ मजदूरी मिलेगा, मजदूरी कहाँ, मुझे लगता है राणा साहब को पकड़ोगे जाके। तो यहाँ तो मजदूरी नहीं मिलता है? मिलता है ना, 600 रुपया दिहाड़ी। कहाँ मिलता है भाटी जी का?
किसी जगह नहीं मिलता है, है? तो क्या मतलब इतना बेरोजगार की मजदूरी भी नहीं है? आज मजदूरी भी नहीं मिलता है। हाय हाय। अच्छा नहीं शफी साहब, ये तो पॉलिटिक्स की आप बातें करते रहते, इसके अलावा आप क्या करते हो, काम धंधा क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। ऐसा नहीं बोलो, मजदूरी कहाँ करते हो आप? क्या क्या आपको मैंने कोट पहनाते, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। ये पानी आ गया, पहले पानी पी लो। अरे पानी पी लो। थैंक यू थैंक यू। अरे पैक्ड बॉटल मंगवाई है, 20 रुपए खर्चे। पता नहीं इसमें रविंद्र राणा में मत डाला है। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, टेंशन मतलब पानी पी लो आप। पानी पी लो। चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं पीना, लेकिन मेरे को एक बात मतलब फैसला हो ही जाए, बीजेपी को हटाना जम्मू कश्मीर से। नहीं, अगर काम वो अच्छे करेंगे ना, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छे काम, खासकर जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनके लिए कुछ सोचेंगे तो क्यों हटेगा? अच्छा पहले मैंने अगर काम नहीं किया तो इंशाल्लाह वो हटे। नहीं, इससे पहले आपने बात की कि क्या कहते हैं मुसलमानों को यहाँ पे डर लगता है, बीजेपी ने यहाँ पे डर का माहौल फैलाया हुआ, ऐसा है? नहीं तो कहाँ मैंने बताया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने बोला है झूठ मत, आपने बोला है, मैंने आपने बोला डर किसी चीज, जब मैं तो जम्मू में बब्बर शेर जम्मू में, कश्मीर के लोगों को क्यों डर लगेगा जब बब्बर शेर का ये सही बात है बब्बर शेर। अच्छा आप बब्बर शेर है तो रविंद्र राणा क्या है? तो वो तो आपको पता है, मुझे नहीं ना पता, आप बताओ। नहीं, नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप मुझे लग रहा है कि आपका बब्बर शेर, मेरा बब्बर शेर नहीं है वो किसी का बब्बर शेर नहीं। आप अगर ये जवाब देना पड़ेगा, अगर आप बब्बर शेर हो, ये ज्यादा मोहम्मद शफी शाह बब्बर शेर है तो रविंद्र राणा क्या है? मुझे लोगों ने ये चुना है बब्बर शेर। अच्छा मुझे पता है, आप ही कहो क्या बताएंगे उनको, क्या नाम रखेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा हम क्यों नाम रखेंगे उनका। अच्छा तो मतलब बीजेपी को हटाना जम्मू कश्मीर से, फिर फाइनल है तो लाना किसको है? मैंने कहा कि अगर ये जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ उनका रोजगार का पैकेज का ऐलान करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो तब तो ठीक ही है। अच्छा, मुझे ये नहीं बताऊंगा, मैं कुर्सी के लिए नहीं करूंगा कि कांग्रेस से आ जाए। अगर नहीं किया उन्होंने तो मैं तो आवाज उठाते रहूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा उम्मीद है रोप पर कि इंशाल्लाह इसको कांग्रेस ही। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप जब डीडी से इलेक्शन लड़े थे, आपने इंडिपेंडेंट लड़े थे ना, लेकिन आप तो ऑल इंडिया राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तो कांग्रेस ने सीट नहीं दी आपको? मुझे, मैंने मांगा नहीं उनको, क्यों नहीं मांगा कांग्रेस के साथ हो तो उनकी सीट मांग लेते? मैंने बताया उनको, मैंने खुद ही बताया उनको, मैं आजाद उम्मीदवार। अच्छा तो वो सीट देने को तैयार थे? तैयार थे, क्यों नहीं देगा? मैं तो 16-17 साल हो गया राहुल गांधी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने का। अच्छा तो कांग्रेस वाले आ रहे थे, भाई शफी साहब लड़ रहे हो मेरी तरफ से इलेक्शन सीट, आपने नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ोगे, अपना वजूद खुद बनाना आपने? वजूद की बात नहीं, आप क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं? अरे तो आप है बब्बर शेर हो आप हमारे, तो राहुल जी का फैन हूँ, फैन मरते दम तक राहुल गांधी जी के, राहुल जी का फैन हूँ मरते दम तक उनका फैन रहूंगा, उनका फैन नहीं बनूंगा जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया। नहीं नहीं सुनो, राहुल गांधी के फैन है ना, तीन ऐसी चीजें बताओ जो राहुल गांधी के बारे में आपको बहुत अच्छी लगती है। नंबर एक, उनका पूरे मुल्क का दर्द है। दर्द? हाँ। कौन सा? जो अभी आज तक आवाज उठाते रहता है। हाँ। एक तो ये, वो तो आंख भी मारते ना, कौन नरेंद्र मोदी जी को आंख भी मारी थी उन्होंने, तो उनको हुआ क्या, उनके गलत किया? गलत आंख मारी थी, तो आपको लग रहा है गलत किया? नहीं नहीं गलत नहीं किया, अच्छा किया उसने। क्या किया? अच्छा वो आंख मारी और हमारे मोदी जी को पटा रहे थे, वो गला गले में लगाया उन्होंने, तो फिर क्या गलती किया? नहीं नहीं गलत नहीं किया। आप देखो हमारे आजाद साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको सलूट किया, बिल्कुल रोए भी, उनके कारनामे पर सलूट किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखो आज मेरे ख्याल से अब भाजपा वाले निकल गए, कोई नहीं रूठ जाएगा। चलो एक चीज होगी, राहुल गांधी जी को देश का दर्द है, दूसरी चीज, दूसरी चीज है उनके पास प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत है उनके पास, बहुत प्यार मोहब्बत है, तभी वो गले लगते हैं, तभी वो गले लगते हैं। नहीं इतनी प्यार मोहब्बत है, शादी क्यों नहीं की उन्होंने अभी तक? कौन? राहुल गांधी जी अपने, अभी तो छोटा है, करेगा ना? अबे छोटा भाई साहब 50 साल के पार हो चुके वो। नहीं नहीं कहाँ, नहीं हुए आपको लग रहा 50 साल है? तो कितनी उनकी उम्र? मेरे ख्याल से 40 साल। 40 नहीं 50 के ऊपर है वो। नहीं नहीं 40 साल। 40 साल के तो कम उम्र है, अभी छोटे हैं। करेगा क्यों नहीं करेगा? यंग है, यंग है, करेगा। अच्छा करेगा क्यों नहीं? अच्छा तो राहुल पहले वो मुल्क बनाएंगे, उसके बाद वो शादी। अच्छा अच्छा, कौन सा दूसरा मुल्क बनाएंगे क्या? नहीं यही हमारा मुल्क जो आज भाजपा सरकार ने उनको बना तो हुआ, ये भी कौन सा बना है? मुल्क है तो है, और क्या बनाना है? उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह डिजिटल इंडिया है। आपको लग रहा है डिजिटल इंडिया? हमारे दो साल से बाद हमारा 4G इंटरनेट रेस्टोर हो गया। बिल्कुल, मैं किसकी वजह से हो गया?
ये तो एक बड़ा बब्बर शेर ने किया आजाद साहब ने, दूसरा छोटा बब्बर शेर ने कश्मीर में आवाज उठाई। क्या बात है, एक दो चीज होगी, एक तीसरी चीज गिनानी है। एक राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, दूसरा प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तीसरी चीज यह है कि मुझे पूरा भरोसा है पूरे मुल्क में जितनी भी बेरोजगारी है इंशाल्लाह राहुल गांधी दूर करेंगे। दूर करेंगे कैसे करेंगे, इस साइड सालू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, सोना बांटेंगे, फिर आप देख लेना। हाँ। देखते ले चलो, पक्का पक्का पक्का। शफी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक बार गले लगो यार, गले लगो, बहुत अच्छे इंसान है। शफी साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए सब सबकी तरफ से। तो ये थे हमारे साथ बब्बर शेर उर्फ पीर ज़ादा मोहम्मद शफी शाह, जो कि सबकी आवाज़ है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, दिल के बहुत साफ है यार। और जरूर अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको भी।